गुड मॉर्निंग एवरी वन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम CBSE क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है या क्वेरी आती है कि सर, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं अपने CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके, और हमें ये नहीं मालूम है कि कितने क्वेश्चंस CBSE टर्म 2 एग्ज़ाम में आएंगे, कितने कौन से क्वेश्चन होंगे, उनका लेवल क्या होगा, और इस तरह की बहुत सारी बच्चों के साथ कंफ्यूजन है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट हैं जिनको लेकर हम आज इस वीडियो में आपको एक जगह ही सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वो सब एक अनसिस्टमेटिक वे में डिफाइन की जाती हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अपने CBSE बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनके जो डाउट हैं, उनके जो कुछ चीज़ें हैं, उनको हमारे यहाँ पे क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लेके आए हैं। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में, और किसी भी टाइप का मैथमेटिक्स में आपको डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो, तो आप उसे यूट्यूब के इस वीडियो में चैट बॉक्स में डाल के मुझे कमेंट बॉक्स में रिटर्न कर सकते हैं। उस क्वेरी का आपको आंसर मिलेगा और दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेके आते हैं और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये CBSE क्लास के बच्चे जो हमारे बच्चे, वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सेंटर में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर वो क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इस टाइम पर जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कि एग्ज़ाम में किस तरह का लेवल आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, मार्किंग सिस्टम क्या है हमारे इस पेपर का, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट बता दें मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप अगर वो पॉइंट याद रखते हैं तो आपको मैं 90% एश्योर्ड करता हूँ, 99% एश्योर्ड करता हूँ कि आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। कुछ पॉइंट वो हैं कि जब भी आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करें, तो मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा कैलकुलेशन के टाइम पे जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से बच्चों के आंसर गलत आते हैं, जबकि उन्होंने मेथड सही लगाया हुआ है, सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में एक दीगर पॉइंट मिस हो जाता है तो पूरे क्वेश्चन का आंसर वो बदल के रख देता है, चेंज करके रख देता है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दबाजी ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो हमारा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के थ्रू इस बार उसने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि बच्चों को कहीं भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। वो ये है कि इस बार जो मार्किंग स्कीम रखी है CBSE बोर्ड ने, वो मार्किंग स्कीम इस तरह की रखी है कि आपको लाइन बाई लाइन आपको आंसर उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इनपुटिंग वेरिएबल की वैल्यू के लिए अलग नंबर मिलेगा, फिर ऑपरेशन के लिए अलग नंबर मिलेगा, फिर आउटपुट के लिए अलग नंबर मिलेगा। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम रखी गई है इस बार कि CBSE बोर्ड ने, कि कोई भी बच्चा कहीं भी अगर बीच में कहीं उसका 2 पार्ट कंप्लीट करने के बाद तीसरे पार्ट में अगर मिस्टेक कर देता है तो उसके 2 पार्ट को मार्क्स जो हैं वो एवेल्युएट किए जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं सेकेंड टर्म में हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो सिलेबस है हमारा, जो सिलेबस आएगा वो 40 मार्क्स का पूरा मैथमेटिक्स सेकेंड टर्म का सिलेबस कवर्ड होता है, जहाँ पर अलजबरा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ये टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक आएंगे। जबकि कुछ टॉपिक इसमें से कम कर दिए गए हैं, लेकिन अब हमें सिलेबस अगर हम तैयार कर लेते हैं पूरा सिलेबस, तो अगर कोई टॉपिक अगर इधर उधर भी हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए 40 नंबर का ये आपका सेकेंड टर्म रहेगा, जहाँ पर 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, और फर्स्ट टर्म भी आपका 40
नंबर का था और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था। तो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपका ये जो सिलेबस दिया जा रहा है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है अलजेब्रा यूनिट के अंदर, तो उसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग टॉपिक है, उसको सॉल्व करना है। फिर यूनिट टू में ज्योमेट्री का टॉपिक है, जहाँ पे सर्किल कंस्ट्रक्शन ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक जो आपके यूनिट में दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। जहाँ पे आप इन टॉपिक को आप कंप्लीट करके अपनी पेपर को अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारी हमारी प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, उन बुक्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये तो हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस था, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट मार्किंग स्कीम की, कि हमारी मार्किंग स्कीम जो है वो क्या है। तो इस मार्किंग स्कीम को आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, इस स्कीम को आप देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मार्किंग स्कीम में हम कौन कौन सी चीज़ों को इसमें हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मार्किंग स्कीम है, ये आप लोग देख सकते हैं एक बार, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है, ये मार्किंग स्कीम है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आपने जब डिफाइन की है, इनपुट जो डिफाइन किया है, उसके लिए उन्होंने 1 मार्क्स अलग से दिए हुए हैं। इसके बाद जब ऑपरेशन कर रहे हैं आप, ऑपरेशन करने के बाद आपको अलग मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद रिजल्ट जब निकला तो रिजल्ट के लिए उन्होंने अलग मार्क्स असाइन किए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इनपुट वेरिएबल के लिए 1 नंबर दिया गया है और ऑपरेशन के लिए 1 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आप अगर क्वेश्चन आधा गलत हो जाता है तो आपको पूरे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे आधे क्वेश्चन के आपको आधे मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अपने इस मार्किंग स्कीम के बाद दूसरे क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पेपर को जो आप देखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने हाफ हाफ करके मार्क्स एवेलुएट किए हैं, हर लाइन पर आधा नंबर दिया हुआ है, आधे मार्क्स एवेलुएट करके दिया हुआ है। तो इसलिए आपको फ़ायदा मिलेगा इस बार आपकी मार्किंग सिस्टम पे। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से सेक्शन ए को भी उन्होंने एवेलुएट किया है, इसी तरह सेक्शन बी को भी एवेलुएट किया है, और इसी तरह से सेक्शन सी भी इन्होंने एवेलुएट किया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो कि इन्होंने एवेलुएट किए हुए हैं, और यहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इन क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि सीबीएसई जब किसी क्वेश्चन को सैंपल पेपर देती है तो उसी के मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी सीबीएसई पूछती है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर की। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर आप इस तरह का भी देख सकते हैं कि जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर हमारा इस तरह का आएगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ये सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं का भी मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया था, तो वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये क्वेश्चन देखिएगा और सोल्यूशन और सॉल्व इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पहले आप बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी में भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं और सेक्शन सी में भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर। अब हम स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं अब मैथ क्लास 10th की मैथमेटिक जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो क्लास 10th की सीबीएसई टर्म 2 का जो बोर्ड सिलेबस एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिया जा रहा है यहाँ पे विद सॉल्यूशन, इन क्वेश्चन पेपर पे हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। अब डिस्कशन के रिगार्डिंग आपको हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको मालूम है जैसा कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा उस पेपर में हमारे 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन में हमारे ए सेक्शन, जो कि हमारा ए सेक्शन होगा, जहाँ पर क्वेश्चन वन से लेके और क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, जो 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसका सेक्शन बी जो होगा वो 21 से 26 होंगे, जहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच। इसके बाद सेक्शन थर्ड होगा,
सेक्शन सी जिसको हम थर्ड सेक्शन बोल रहे हैं, वो सेक्शन सी होगा जहाँ पर 27 से 34 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे 8 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद सेक्शन डी जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको 35 से लेकर 40 नंबर तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कि 6 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के ईच, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने कि देयर इज ए नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर इन इंटरनल चॉइस हैज बीन पॉइंटेड इन टू क्वेश्चन ऑफ द मार्क, टू क्वेश्चन ऑफ द वन मार्क, टू क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स, थ्री क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स। तो इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है कि जब आपको सारे क्वेश्चन में मार्क आपको चॉइस दिया जा रहा है तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा कि यहाँ पर हम सेक्शन ए के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में, वीडियो पार्ट में आपके सेक्शन ए के बारे में हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन ही बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं जो कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको केवल और केवल वेरिएबल नेम या हो सकता है इनपुट वैल्यू या हो सकता है कि आपको एक्सप्रेशन की क्वेश्चन ये चेंज हो सकती है, बट उनके बारे में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है या मैथड है वो चेंज नहीं होता है। उसको सॉल्व करने का मैथड जो होगा वो सेम होगा लेकिन उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है या इनपुट ये सारे चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन वन है वो क्वेश्चन वन हमारे वन मार्क्स का है जहाँ पर बोला गया है कि ऑन डिवाइडिंग ए पॉलीनोमियल पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी एक्स एंड थ्री रिस्पेक्टिवली द पॉलीनोमियल पी एक्स इज। यहाँ पर पॉलीनोमियल वैल्यू पी एक्स है जिसको हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पी एक्स में डिवीजर ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनानी है कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारे लिए यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उस ऑप्शन को यहाँ पे हमें देखना है। तो अब ये आपको मालूम है कि हम कैसे ये एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको जब सारी चीज़ें दी गई हैं तो आपको केवल और केवल उसको हमारे उस फार्मूले में इन इनपुट वेरिएबल्स को हमें सेट करना है। अब सेट करने के लिए यहाँ पर डिवीज़र क्या है, डिवीज़र का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो डिवीज़र में हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर रख दिया और फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर एक्स दिया गया है तो एक्स रख दिया, फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास थ्री है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हमारा जो एक्सप्रेशन, जो हमारी इक्वेशन बन के आई वो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब जब आपने इक्वेशन बना के पुट बना के आपने फाउंड की है तो उस इक्वेशन को आप देखिए ऑप्शन में कोई ना कोई इक्वेशन मैच करेगी। तो अब आपने जब देखा तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रिंगल राइट एंगल एट सी, तो देयर फोर अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है बी सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले जब आपको ट्रिंगल का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप ट्रिंगल बनाइएगा। ट्रिंगल जानते हैं बनाना सभी बच्चे कि ए बी सी को लेके हमें ट्रिंगल बनाते हैं। अब ट्रिंगल जो बनेगा वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो उसमें एंगल दिया गया है उस एंगल के हिसाब से ही हम जो ट्रिंगल है वो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जो ट्रिंगल आपको दिखाई दे रहा है फिगर वन में, यहाँ पर ट्रिंगल के अकॉर्डिंग जैसा दिया गया है गिवन दैट ए सी बी इज एन आइसोलेस, तो ए सी बी का मतलब है कि सी जो है वो 90 एंगल पे होगा। तो सी यहाँ पर 90 एंगल होगा, ए और बी उसके जो हमारे ट्रिंगल के दूसरे एंगल हैं उनको हम लोग काउंट करेंगे। तो ठीक है यहाँ पे, तो देयर फोर ए सी इक्वल टू बी सी। सो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करेंगे, थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी, जब ए सी इक्वल टू बी सी है तो ए सी स्क्वायर को तो हम एज इट इज रखेंगे और बी सी की जगह हम ए सी को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर।
तो स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विज डिस्टेंस फ्रॉम -4.0 एंड 10.0। स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को हम देखेंगे। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है कि द सेंटर ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर -6.3 एंड 6.4 इज। अब इनमें से जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमें पहले वाले का हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर है, आंसर जो दिया गया है, तो उस आंसर के अकॉर्डिंग हमें पहले तो अपने क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है और गिवन पॉइंट एज वेल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ये गिवन है। जब आपको इस पॉइंट पर दी गई हैं चीज़ें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो एक्स कॉमा जीरो होगा, तो इसी रिक्वायर्ड पॉइंट को हम मिड पॉइंट मानेंगे, और मिड पॉइंट जो होगा वो लाइन का होगा। कौन सी लाइन का? जो लाइन दो पॉइंट जो ज्वाइनिंग कर रही है लाइन को, तो वहाँ पर एक लाइन की ज्वाइनिंग पॉइंट है -4.0 और दूसरा है 10.0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -4 + 10/2 और ये x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा x.0 की जगह 3.0 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला क्लियर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा डाउट है या क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिटर्न करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन का जो आंसर है या मैं आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास लेके मैं आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझा दूंगा। और क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर साइंस है, इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको टाइम अलॉट करके आपको हम क्वेश्चन क्वेरी जो है वो सॉल्व करा देंगे। कोई यहाँ पे आपको चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना आपसे कोई फीस ली जा रही है। करियर काउंसलिंग कह सकते हो या आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एक आपको हेल्प दी जा सकती है बच्चों को, इसके रिगार्डिंग आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज इक्वल रूट इट्स। अब आपको मालूम है इक्वल रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जब आप जानते हो इक्वल रूट कैसे फाइंड होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है, तो जब गिवन हमारे पास देखिए इक्वेशन जो दी गई है, सबसे पहले तुम इक्वेशन को लिखेंगे 2x² + kx + 2 = 0। अब यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि क्वाड्रेटिक रूट निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं रूट निकालने के लिए, फाइंड रूट करने के लिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b² - 4ac आप यूज़ करोगे, तो इस इक्वेशन से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इससे रिलेट होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपको k मिलेगी क्योंकि जो कि कांस्टेंट है, और c की वैल्यू आपको कांस्टेंट यहाँ पर भी मिलेगी जो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब b, a और c की वैल्यू मिल गई तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रखी तो k² - 16 हमारी वैल्यू आई, जो कि k² - 16 = 0। तो यहाँ पर जब हमने k की वैल्यू लिखी तो k² = 16, तो k = ±4। तो अब यहाँ पे जब k = ±4 आंसर आया है, तो अब ये आंसर हमने क्वेश्चन के ऑप्शन से मैच करेंगे, और क्वेश्चन के आंसर से मैच करने के बाद आप देख सकते हो कि ±4 हमारा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। और हमेशा स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर की कैलकुलेशन में तो आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और आपको हो सकता है कि मार्किंग स्कीम में आपको कोई मार्क्स एवेल्युएट ना हो। क्यों? क्योंकि जब कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर मार्किंग स्कीम जो होती है वो हमारे ऑप्शन करेक्ट पे ही होती है, ना कि एवेल्युएशन पॉइंट पे, कैलकुलेशन पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ए पी। अब बात आती है ए पी का मतलब, जानते हो आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो होती है उसको बोलते हैं ए पी। तो यहाँ पर ए पी कौन सी सीरीज ए पी को फाइंड करती है? देखिए ए पी को सीरीज हमारी जो फाइंड करेगी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम ए पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा करेक्ट जो होगा वो सी आंसर करेक्ट होगा।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के हिसाब से आपको आंसर जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो आप देख सकते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इक्वल टू 14 इज। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो सॉल्व करने के बाद आपको दो क्वेश्चन इक्वेशन बन के आएंगे। जब उन दोनों इक्वेशन का हमने रेशियो निकाला है तो रेशियो जो है वो एक्स और वाई इक्वल आए हुए हैं। जब एक्स और वाई इक्वल आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसलिए दे आर नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट, सो द गिवेन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड सो दे डोंट हैव ए कॉमन सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो रेशियो आया है वो 3/1 आया। 3/1 मतलब हमारा जो रेशियो है अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो ये कंसिस्टेंट हो जाता, अब इक्वल नहीं है तो इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा फिगर 2, पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर एट ओ एट द पॉइंट बी इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100। अब देखिए ए ओ बी का मतलब एक ट्रेंगल है जहाँ पर ए ओ बी, अब ओ जो है उसका हमारे पास वैल्यू दी गई है, जो भी हमारी वैल्यू है उसकी एंगल की वो वैल्यू दी गई है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रिंगल ए बी पी इज इक्वल, अब यहाँ पे ए बी पी मतलब बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू को जब फाइंड करना है सबसे पहले हमें इस ट्रिंगल को बनाएंगे, और ट्रिंगल को बनाने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम जो फिगर बनाएंगे तो फिगर हमारी इस तरह से बन के आएगी। देखिए इस तरह से फिगर बन के आएगी, तो उस फिगर में हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो ओ इक्वल टू ओ बी, हमारे रेडियाई के द्वारा हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे ओ इक्वल टू ओ बी। तो ये जो दोनों वैल्यू है, ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ पे जब ट्रिंगल की बात करेंगे तो ट्रिंगल ओ ए बी इक्वल टू ट्रिंगल ओ बी ए, तो ओ बी ए में हमारा 180-100 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिंगल है, ट्रिंगल हमारा ये ट्रिंगल जो है पूरा 180 का होगा, तो 180-100 हो जाएगा बाई टू, तो ये 40 आ जाएगा। 40 को 90 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब इस वाले एंगल को निकालना है बी वाले एंगल को, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी 90 से 40 को माइनस कर देंगे तो हमें 50 वैल्यू कम कर देगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मैच हो रहा है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद द रेडियस ऑफ स्पेयर हूज वैल्यू इज 12π cm³ इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों ने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्री को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वैल्यू ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या होता है। वैल्यू ऑफ स्पेयर का जब फार्मूला आप जानते हो तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्पेयर आपको दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्पेयर जब दिया गया तो वैल्यू ऑफ स्पेयर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ स्पेयर हमारा 12π है, और फार्मूला क्या होता है 4/3π r³। तो 4π = 4/3π r³ हम जब देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो r³=3² आएगा। तो r की वैल्यू जो है वो 3/2/3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट होगा, और सी आंसर करेक्ट होने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो शुरू आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इतने एक एक नंबर के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन ले रहे हैं। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन लेने का एक मेथड ये है कि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, इसलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए अब सिंपल फॉर्म ऑफ 1 + tan² a / 1 + cot² a इज। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अब ये सिंप्लीफिकेशन हम करते कैसे, सिंप्लीफिकेशन हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास इनके जो फार्मूले हैं वो हमें याद होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 1 + tan² a को हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन फार्मूला होता है sec² a = 1 + tan² a। तो 1 + tan² a को हम sec² लिख सकते हैं, और हमारे पास फार्मूला होता है cosec² a = 1 +
कॉट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और जब तुम्हें मालूम है कि सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर की, उसको हम साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो जब साइन कॉस में बदला हमने, तो इसको हमारे पास फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइएगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब 16 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सो आंसर 1 + 2 + 3 = 100। अब देखिए ये जो सीरीज है ये क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। कहाँ तक एंड होंगे, हमारे रीच कहाँ तक होगा, 100 तक होगा। तो इसका मतलब हम सीरीज एक लिख लें 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक। तो अब ये कौन सी एक सीरीज बन रही है, हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है। तो अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इसको फाइंड इसके सम को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो हम जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी दैट इज़ नोन एज ए एन बाई टू, 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर जब हमें सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ में मालूम है, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा 1 होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज़ 1 से शुरू हो रही, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया। अब यहाँ पे डी कैसे काउंट करोगे, डी हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को हम माइनस करके उसको निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो अब इस तरह से तुम डी की वैल्यू भी तुम्हें निकल के आ गई, ए की वैल्यू भी निकल के आ गई, और एन की वैल्यू तुम्हें मालूम ही है 100, तो एन की वैल्यू मालूम है। तो अब तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को इन सारे इनपुट वेरिएबल्स को आप फार्मूला में पुट करोगे, और फार्मूला में कैलकुलेट करने के बाद जब आप आंसर निकालोगे, तो आंसर आपका निकलेगा 5050। तो यहाँ पर ये आंसर निकल आया, और ये आंसर अगर हमारा ऑप्शन दिया गया तो उसमें से मैच करा लेंगे, और मैच कराने के बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग इस सारे जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद आपको मैं अब सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं पार्ट 2 और पार्ट सी में कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, इसके बाद